नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अबरारुल रहमान। दशकों 2024 लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद अब जो नतीजों में मात्र कुछ घंटों का समय रह गया है और इसमें अगर सबके किसी भी एक बड़े प्रदेश पर नज़र है तो वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने भी ठीक उतनी मेहनत की है जितना कि विपक्ष ने किया है। अखिलेश यादव ने किया है, मायावती ने की है, राहुल गांधी ने किया है और प्रियंका गांधी ने भी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में और ख़ास करके उस राज्य का जो मुख्य विपक्षी चेहरा है अखिलेश यादव, जो कि कई बड़े दावे कर रहे हैं और सीटों को लेकर के जिस ढंग से उन्होंने जो है अपनी बातों को कहा है, लगातार वो ये चर्चा कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस मामले को लेकर के स्थिति जो है वो सुनिश्चित हो जानी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें दर्शकों कि इस समय वाकई सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें नहीं मिलती है तो इसका नतीजा उन्हें जो है बड़े तौर पर चुकाना पड़ सकता है। हालांकि जो है सरकार बनाने को लेकर के या फिर सरकार बनने को लेकर के हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए कि हिंदी बेल्ट का एक बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में और जिस राज्य में अखिलेश यादव ने सबसे ज़्यादा पार्टियों जो है सीटों पर चुनाव लड़ा और ख़ुद के पास सबसे ज़्यादा सीटें रखी, उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि उन्हें जीत को लेकर के जो दावे उनके मन में है या फिर जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि वो पूरे तौर पर कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर के जो संतुष्ट नज़र आ रहे हैं उसके पीछे की असल वजह क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में ये सारी बातें कही है दर्शकों, और उसी बयान की वजह से आज मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि आखिरकार अखिलेश यादव ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। आइए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अखिलेश यादव का ये बयान। GST से छोटे दुकानदार तक को मंदी का शिकार बना दिया, किसानों की जमीन हड़पनी चाहिए, काले कानून लाने चाहे, खाद की बोरी की चोरी की, लाभकारी मूल्य नहीं दिया, 35 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी में देश को धकेला, महंगाई से गरीब को और गरीब बना दिया, अमीरों के अरबों के लोन माफ किए लेकिन किसानों के ऋण के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर किया, ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया, बैंकों में तरह तरह के चार्ज और पेनल्टी से लोगों के खाते दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गए, बैंक लॉकरों के नाम पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, नैतिक रूप से चंदे तक का पैसा खा गए, केयर फंड के नाम के आगे PM के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया, अपराधियों को शामिल करने, उनके कृत्यों पर पर्दा डालना जैसे मणिपुर में अपने संगी साथियों द्वारा बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार में, BHU छात्र अभद्रता कांड में, खीरी किसान हत्याकांड में, हाथरस की बेटी के बलात्कार हत्या व कानपुर देहात कांड में जहां मां बेटी को झोपड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। शारीरिक रूप से देखें तो भाजपा लोगों के शरीर स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया, उसके भी दोषी हैं। भाजपा ने बिना जाँच परखे जानलेवा वैक्सीन लगवाई, कमीशन खाकर गलत दवाइयों को पास करके लोगों का जीवन खतरे में डाला, इसका सीधा असर जनता की सेहत पर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों की तंदुरुस्ती पर भी। भाजपा पीढ़ियों पर प्रहार की दोषी भी है। मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के दिल और दिमाग में जानलेवा वैक्सीन लगवाने के बाद बीमार होने पर डर बैठा दिया महिलाओं के अंदर। तो आपने सुना दर्शकों, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में ये बड़ा सियासी खेला होने वाला है? और उससे पहले आप ये बात समझिए कि मायावती जो अकेले अपने दम पर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने साफ तौर पर ही यह स्पष्ट कर दिया था, ख़ास तौर से उन्होंने ये बता ही दिया था कि वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाने वाली है, और इस फैसले के बाद अगर वो अपनी जीत विपक्ष से ज़्यादा सीटों पर कर लेती तो आप सोचिए कि इस जीत का कितना बड़ा आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है असर विपक्ष पर पड़ेगा, और ख़ास तौर से जो वोट बैंक की हमेशा बात की जाती है उस वोट बैंक को भी समझने की ज़रूरत है। वोट बैंक जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक मामला जो है वो गहराता चला जा रहा है, ख़ास तौर से
आप ये समझ सकते हैं कि जो है अखिलेश यादव के साथ जो यादव वोट बैंक जुड़ा हुआ है, राहुल गांधी के साथ मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक जो है उनकी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इन तमाम वोट बैंक के जुड़े होने के बावजूद भी अगर आप जो उत्तर प्रदेश में 8 से 10 सीटें भी नहीं निकाल पा रहे हैं कुल 80 सीटों में से, तो आप समझिए कि स्थिति कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ये बड़े तौर पर सोचने की ज़रूरत है दर्शकों, और ख़ास तौर से आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी कि दरअसल इस चुनाव के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में जीत हार आप कह सकते हैं कि भारत के लगभग भविष्य को तय करेगी कि जो है बीते 70, 75 और 100 वर्षों में क्या हुआ है और आने वाले 100 वर्षों में क्या होगा, ये दरअसल इस चुनाव के नतीजों से तय होने वाला है। मात्र कुछ घंटों का समय रह गया दर्शकों, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव का ये दावा, अखिलेश यादव का ये आत्मविश्वास क्या वाकई जो है सही होता हुआ नजर आएगा, चूँकि जो है कार्यालयों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सजावट जो है वो शुरू हो गई है और तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर के दावे कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है वो तो कल ही पता चलेगा। आइए अखिलेश यादव के एक पक्ष का और सुनिए। इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है। जनता स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बलिदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि भाजपा काल में उसका जीवन तो वैसे ही दूभर हो गया है। जनता की सकारात्मक सक्रियता से देश नकारात्मक ताकतों से आजाद होने जा रहा है। देश प्रेमी 140 करोड़ जनता की शक्ति के आगे भ्रष्ट और संकीर्ण सोच के चंद देश विरोधी लोग टिक नहीं सकते। देश का युवा फिर से कफन सर पर बांध कर कह रहा है मेरा रंग दे बसंती चोला। मैं कहना चाहता हूँ इंडिया की जीत देश और देश की जनता की जीत साबित होगी। जय हिंद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम और आप पूरे जनता के बीच में थे पूरे चुनाव भर, और इतनी तपती हुई गर्मी में, भीषण गर्मी में लोगों ने इस लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत बनाने के लिए मतदान किया। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे, और इसमें से कई साथी ऐसे हैं जो एग्जिट पोल में शामिल हैं, वो और उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं, समय समय पर बूथ की जानकारी भी देती हैं। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं, वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली। तो आपने सुना दर्शकों, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जो है ये बड़ा जो है राजनीतिक तौर पर आप कह सकते हैं उथल पुथल देखने को मिलेगा? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।